नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार की सीनियर आईएएस ऑफिसर हरजोत कौर की सोच कर जानकर आप चौंक जाइएगा। एक आईएएस की सोच, उस पर से महिला आईएएस की सोच ऐसी हो सकती है, यह जानकर आप हैरान हो जाइएगा। दरअसल पूरा मामला क्या है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन मुख्य बात क्या है वो पहले हम आपको बता देते हैं। दरअसल स्कूल की छात्रा ने एक आईएएस ऑफिसर, महिला ऑफिसर से पूछा कि जब सरकारी स्कूल में मुफ्त में सारी चीज़ें मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो फिर सरकार सैनिटरी पैड फ्री में क्यों नहीं देती है। इस पर महिला आईएएस ने क्या कहा वो जानकर आप चौंक जाइएगा। महिला आईएएस ने कहा कि तुम बाद में जींस मांगोगी, तुम बाद में सुंदर जूता मांगोगी, इसके अलावा बाद में तुम कंडोम का भी मांग कर सकती हो। तो सोचिए एक महिला आईएएस की सोच क्या है। 20 और 30 रुपए का इस पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते हैं? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं नहीं मत दो तुम वोट। दरअसल पूरा मामला क्या है हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। दरअसल पटना में सशक्त बेटी समृद्ध बिहार विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। इसमें एक लड़की ने सवाल किया कि क्या सरकार 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती है। इस पर सीनियर आईएएस महिला अफसर हरजोत कौर बम्हारा ने कहा कि इस मांग का कोई अंत है। उन्होंने कहा 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल को जींस पैंट दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते हैं, अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में देना पड़ेगा। मंगलवार को हुए इस कार्यक्रम को महिला और बाल विकास निगम द्वारा यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रंस और प्लान इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान में कराया गया था। इसका मकसद लैंगिक असमानता मिटाने वाली सरकारी योजनाओं से बच्चियों को वाकिफ कराना था, लेकिन जब बच्चियों ने महिला और बाल विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हारा से इन्हीं योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे तो उन्हें अजीबोगरीब जवाब मिले। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सभी लोग स्तब्ध हो गए कि आखिर ये महिला आईएएस कह क्या रही है। यह जो खबर है दैनिक भास्कर अखबार ने फ्रंट पे छापा है वो आपको हम हेडिंग भी दिखाएंगे, फ्रंट पेज भी दिखाएंगे कि खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, पहले छात्र जो पूछती है, 9वीं 10वीं की छात्री, उसने पूछा मैं मिलर स्कूल की छात्रा हूँ, स्कूल का शौचालय टूटा है, अक्सर लड़के भी घुस जाते हैं, शौचालय न जाना पड़े इसलिए हम लोग कम पानी पीते हैं। इस पर हरजोत कौर क्या कहती है ये सोच सुनिए। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में अलग से शौचालय है, हर जगह अलग से बहुत कुछ मांगोगी तो कैसे चलेगा। फिर छात्रा कहती है नहीं मैं, जो सरकार के हित में सरकार को देना चाहिए वो तो दे। हरजोत कौर कहती है सरकार से लेने की ज़रूरत क्यों है, ये सोच गलत है, कुछ खुद भी क्या करो। फिर एक दूसरी छात्रा जो है वो सवाल करती है कि मैं प्रिया कमला नेहरू नगर से आई हूँ, सरकार सब कुछ देती है, क्या स्कूल में 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती। इस पर हरजोत कौर बोलती है अच्छा जो ये तालियां बजा रहे हैं इस मांग का कोई अंत है, 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल को जींस पैंट दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में भी देना पड़ेगा। फिर आगे जो छात्रा है वो कहती है सरकार को पैसा इसलिए देना चाहिए कि वो हमसे वोट लेने आती है। हरजोत कौर बोलती है बेवकूफ़ी की इंतहा है, मत दो वोट, चली जाओ पाकिस्तान, वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो, बताओ छात्रा मैं हिंदुस्तानी हूँ तो पाकिस्तान क्यों जाऊँ। शायद MD बच्चियों को यह समझाना चाहती थी। फिर हरजोत कौर कहती है आप बच्चियों को सोच बदलनी होगी, तय करना होगा कि आप खुद को भविष्य में कहाँ देखना चाहती हैं, यह निर्णय आपको खुद करना होगा, यह काम सरकार आपके लिए नहीं कर सकती, आप वहाँ बैठना चाहती हैं जहाँ हैं या जिस तरफ मैं बैठी हूँ। तो कहीं ना कहीं महिला आईएएस का ये जवाब ये बताता है कि महिला आईएएस की जो सोच है वो कितना बेहतर है। इनके सोच पर लोग अब सवाल उठाना भी शुरू कर चुके हैं, आखिर सवाल क्यों नहीं उठाए।
दूसरी तरफ डॉक्टर भी कहते हैं कि महिलाओं का जो शौचालय है वो अलग होना चाहिए, पुरुषों का शौचालय है वो अलग होना चाहिए। इसके अलावा सैनिटरी पैड कितनी ज़रूरी मांग है इस पर भी आप सोच सकते हैं, लेकिन यह जो मैम है आईएएस अधिकारी हैं वो कह रही हैं कि बाद में तुम कंडोम भी मुफ्त में मांगोगी। तो ये ऐसा जवाब कोई आईएएस अधिकारी दे सकता है क्या? सोचिए कि ये बिहार का कितना विकास कर रही होंगी। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं तो कई जिलों में डीएम रह चुकी होंगी, कई बड़े विभाग में सचिव रही होंगी। तो फिर इनका सोच फिर ये है कि ये कह रही हैं सवाल पूछने पर कि तुम पाकिस्तान चली जाओ, तुम पाकिस्तान चली जाओ, तो छात्रा को ऐसा जवाब दे रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनका सोच क्या है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।